स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, हिंदी पाठमाला बुक लेसन 15, कहाँ है भूत। मोहित, तुम बहुत डरपोक हो। शुभित, नहीं मैं बिल्कुल नहीं डरता। कल मेरे सामने शेर था, तब भी मैं नहीं डरा। मोहित, अच्छा पर कहाँ था शेर। शुभित, चिड़ियाघर में। के लेसन स्टार्ट करते हैं। गर्मियों की शाम थी, सूरज ढल चुका था। कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। भागते भागते वे झाड़ियों में पहुँचे, तभी एक लड़की बोली, ठहरो, आगे मत जाना, कुछ पेड़ उस क्या हुआ आगे मत जाना, उस पेड़ को देख रहे हो, उस पर भूत रहता है। हाँ हाँ मेरे भी भैया बता रहे थे, सचमुच उस पेड़ पर भूत रहता है। एक लड़का बोला, हाँ मैंने भी सुना है, वह भूत बच्चों को पकड़ लेता है, चलो यहाँ से भागें। दूसरा लड़का बोला, सब बच्चे वापस दौड़े। तभी एक छोटा लड़का बोला, ठहरो, मैं नहीं मानता वहाँ कोई भूत रहता है। लो मैं अभी उस पेड़ पर चढ़कर दिखाता हूँ। यह कहकर वह फौरन पेड़ की तरफ चला गया। सब बच्चे डरकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। फिर लड़का दौड़ता हुआ गया और झट से पेड़ पर चढ़ गया। वह वहीं से चिल्लाया, आओ देखो कहाँ है भूत, तुम सब बेकार ही डर रहे हो। छिपे हुए बच्चे एक एक करके झाड़ियों से बाहर निकले। वह छोटा लड़का हंसते हुए पेड़ से उतरा और बोला, बोलो कहाँ गया वह भूत। यहाँ कोई भूत नहीं है। पल भर में ही सब बच्चों का डर गायब हो गया। जानते हो, भूत का भय भगाने वाला यह कोई साधारण लड़का नहीं था, यह नरेंद्रनाथ था। वह बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद कहलाया। स्टूडेंट्स, हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, तो हमें अच्छे से उसका डटकर सामना करना चाहिए, और फिर जिनको डर लग रहा हो उनका भी डर निकालना चाहिए। ओके, जो लड़का था वो स्टूडेंट्स कौन था, नरेंद्रनाथ था। वो बड़ा होकर क्या बना, स्वामी विवेकानंद। तो स्टूडेंट्स आप ये लेसन अच्छे से रीड करेंगे।